नमस्कार न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है बहुत ही पुराने ट्रैवल एजेंट शब्बीर जी। हाल ही में जो है हमने सर से काफ़ी इश्यूज को लेकर जो है हमने बात की। आज हम सर के पास आए हैं एयरपोर्ट का एक इशू लेकर, जिसको लेकर सर ने भी एक वीडियो बनाई थी और उसको लेकर जो है काफ़ी ये बात जो है चर्चा में थी कि एयरपोर्ट में जो है ऑटो का क्यों नहीं घुसना दिया जाता। देखिए यहाँ पर जो है ऑटो और टूर एंड ट्रैवल्स के जो येलो बोर्ड जो व्हीकल्स है, देखिए दोनों अपना काम कर रहे हैं। हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना किसी के बारे में जो हम लोग गलत बताएंगे, लेकिन सर का क्या सुझाव है इसको लेकर जो है कुछ दिन पहले जो है इसको लेकर कुछ मीटिंग भी हुई थी, तो आइए हम सर से इसके बारे में जानते हैं और सर का क्या कहना है। और सर एक टूर ऑपरेटर है तो सर का क्या कहना है इसके बारे में हम सर से ही जानते हैं। रोहित जी नमस्कार। आपने जैसे बताया कि ये जो ऑटो का मामला है ये जो काफ़ी जो है उछाल में है। ऑटो जो होता है एक बहुत ही मानता हूँ ऑटो बहुत ज़रूरत का चीज़ है, मगर अंडमान एक छोटा सा जगह है तो इसमें क्या है हर लोगों का जो है कुछ ना कुछ मतलब काम करने का एक ज़रिया बना हुआ है। तो अभी देखिए कुछ लोग ऑटो चला रहे हैं और हमारे कुछ जो ट्रैवल एजेंट है वो ट्रैवल एजेंसी एजेंट का काम कर रहे हैं, कई लोग हैं जो ड्राइवर्स का काम कर रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो मतलब कुछ टेंडर वगैरह लेकर गाड़ी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें काम बटा हुआ है और मैं समझता हूँ जिसका जो काम है उसको वही करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं ऑटो वाले को गलत भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर जगह पे अगर कुछ भी होता है तो ऑटो वाले जो है मतलब अपना सहयोग हमेशा देते हैं, आपने देखा भी होगा। और इससे क्या है लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है, मगर एक चीज़ है कि जहाँ पर पैसे का मामला आ जाता है, कहीं पर भी मान लीजिए आप कोई भी बिज़नेस में मान लीजिए, वहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो वो भी कंपटीशन ही हमसे कर रहे हैं। तो अब कंपटीशन में ऐसा है कि वो बेचारों को ये नहीं मालूम है कि अंडमान में भी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हमारा एयरपोर्ट का कुछ टर्म्स एंड मतलब उसमें जो है कुछ दायरा है कि उसको जो है पार नहीं कर सकते। हमने हर जगह पे बात भी की है और मैं समझता हूँ कि ऑटो को जो है अंडमान के एयरपोर्ट पे परमिशन नहीं दिया जाएगा, और ऐसा देखा जाए तो देना जो है वो कानून के भी हक में नहीं है, वरना इसका जो है खुलासा पहले ही हो जाता और वे भाई लोग जो है अंदर अपना काम कर रहे होते। देखिए अभी क्या है कि ऑटो वाले जो है एक जनरल पब्लिक होता है, जनरल पब्लिक का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारा जो कैब है वो टूरिस्ट का काम करते हैं, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, जो ऑफिशियल्स जो प्रोटोकॉल्स के रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, बहुत सारे काम हमारे लोग जो है आसानी से जो है करते हैं। मगर क्या है जहाँ पर ये मामला जो है पैसे का आता है तो यहाँ पर जो है हमारा मामला गड़बड़ा जाता है। अब वो ऑटो वाले चाहते हैं कि ये हम जो टूरिस्ट का काम कर रहे हैं उसमें भी उनका जो है हिस्सेदारी हो, ये तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत होगा। अब टूरिज़्म जो चला रहे हैं, टूरिस्ट कैब जो चला रहे हैं, उनका जो है ईएमआई आप मान लीजिए रोहित जी, कोरोना के पीरियड में, कोरोना के टाइम पे जो है आप ऑटो का भी सर्विस हो रहा था, सारे गाड़ी चल रहा था, सब कुछ मतलब सबको रेवेन्यू आ रहा था, मगर टूरिस्ट जितने भी यहाँ पर हमारा टूरिज़्म है वो बैठा हुआ था, उनका कोई आमदनी नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कहीं कोई ऑप्शनल जो है उनका खाने पीने का रोज़गार का सुविधा नहीं था। अब आप भी बताइए एक ऑटो जो है अगर एयरपोर्ट के अंदर में जाता है, टूरिस्ट को लेकर जाके अगर वो वहाँ पे ड्रॉप करता है तो ऑटो कुछ समय के लिए रुकेगा? तो वहाँ पर जो टूरिस्ट खड़े हैं उनको तो नहीं मालूम हमारे अंडमान के बारे में कि अंडमान का कानून क्या बोल रहा है, अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के लिए क्या सुविधा किया है, अंडमान के जितने लोग हैं यहाँ पर जो है किस तरह से रह रहे हैं। अगर वहाँ पर एक ऑटो आकर एयरपोर्ट में रुकेगा तो लोग देखकर ऑटो के पीछे भागेंगे
और अगर उसके पीछे भागेंगे तो ऑटो वाले बताएंगे कि हम लोगों को ऑटो के लिए जो है परमिशन नहीं करे, वो अपना रोना रोएंगे उनके। वो आज का मालूम है आपको डिजिटल इंडिया है, हर जगह पे जो है कैमरा और मोबाइल यूज़ होता है, वो वहाँ पर वीडियो बनाएंगे, उनका जो अभी है सिंपैथी जो है ये वायरल होगा, इससे किसका मतलब फ़ायदा होगा बताइए। अंडमान का जो है टूरिज़्म का नुकसान होगा, अंडमान के टूरिज़्म का ही मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है प्रभाव जो है हम लोगों को पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अंडमान का जो टूरिज़्म जो एयरपोर्ट में कैब वाले का है, वो कैब का जो है चल रहा है वो अच्छी तरह चल रहा है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखिए अगर ऑटो आ जाएंगे तो इनके अंदर में भी हमारे लोगों के अंदर में भी कंपटीशन आ जाएगा। और ऑटो वाले क्या है कि ऑटो का जो डिस्टेंस मतलब जो चार्जेस होता है वो अपना जो है हम लोगों का जो रेट है वो अलग है, हम लोगों का रेट जो है बहुत अलग है उनसे, और उनका कोई भी ऐसा नहीं। अब ये देखिए एक ऑटो आता है 2 लाख के अंदर पे और हमारा जो गाड़ी आता है वो 12 लाख के अंदर पे आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 12 लाख और 2 लाख में कितना अंतर है। अगर वो काम हम जो कर रहे हैं अगर वो ऑटो वाले भी करने लगेंगे तो हम लोगों का जो कमाई कहाँ पर जाएगा, हम लोगों का हमारे भाइयों का कमाई कहाँ पर जाएगा। वो सर देखिए अगर आप एक कॉमन मैन के तरह सोचेंगे तो जैसा अभी मेरे पास सर अगर नहीं किया गाड़ी तो मुझे जहाँ जाना है एयरपोर्ट तो मैं तो सर ऑटो ही प्रेफर करूँगा। मैं तो देखिए ऑटो, लेकिन ऑटो वालों को जो है अंदर नहीं घुसने दिया जाता, और ये सिर्फ यहाँ के एयरपोर्ट में नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया के कई भी एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर जो है उन्हें नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ के जो ऑटो एसोसिएशन के तरफ से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रस्ताव रखा और बहुत ही जल्द जो है शायद डीसी साहब से जो है मुलाकात भी होगी और इसको लेकर जो है आगे चर्चा में आएगी बात। क्योंकि ऑटो वालों का ये कहना है कि देख कि सर छोटा सा एक जगह है और यहाँ पर जो है ट्रैवल्स और ऑटो वाले हम इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है हर कदम में जो है हर कोई मिलता है, तो हम किसी का हम अपोज नहीं कर रहे। देखिए सपोर्ट तो हम सभी का करते हैं लेकिन हम किसी का अपोज नहीं कर रहे। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप ये बताइए ना, इसमें जो है ऑटो वालों को अभी क्या गलती है सर? देखिए ऑटो वाले का गलती है ये तो मैं नहीं कहूँगा, मगर उनको मान लेना चाहिए कि अंडमान में जो टूरिस्ट आता है उसका एक जो साइन बोर्ड होता है वो अलग होता है। अब हमारा जो गाड़ी का होता है वो इंश्योर्ड होता है, बोट का 5 लाख का होता है पैसेंजर का, गाड़ी का भी हमारा 2-2.5 लाख का होता है, इस तरह कुछ इंश्योर्ड होता है। अगर ऑटो में कोई इंसिडेंट होगा तो उसका जिम्मेदार कौन उठाएगा बताइए। आप देख लीजिए अगर टूरिस्ट का है 4 लोग आए, ऑटो में बैठने का 3 कैपेसिटी है, अब वो लगेज को लेकर भी जा रहे हैं, टूरिस्ट को भी बैठा कर जा रहे हैं, वो तो इलीगल हो गया। अभी देखिए कंपटीशन करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर में अगर आरोप लगाएंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ जो निकलेगी जो उनको भी नुकसान पहुँचाएगा और हमारे लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा क्योंकि सभी अपने लोग हैं, कि आप जो कह रहे हो उसके बारे में सोचिए कि अगर आप जो है दूसरे के धंधे में आएंगे तो क्या प्रभाव जो है उनको पड़ेगा। अगर यही चीज़ को मान लीजिए हमारा 10 गाड़ी हमारा कैब जो है 10 बस लेके हम जो है हर ऑटो स्टैंड में खड़ा कर दे और उसको शटल पे चलाए तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो कैपेसिटी है एक बस का जो है 10 सीटर का है विंगर का, हमारा टेम्पो जो है 26 का कैपेसिटी लगता है और हमारा इस तरह कैपेसिटी का बहुत सारी गाड़ी है। अगर हम वो हर ऑटो स्टैंड पे रख दिया जाए और उनको बोलेंगे कि आप शटल में चलाइए 10-15 रुपये में पर पैसेंजर को, एसी में चलाइए, उनका एसी भी नहीं है, तो लोग बताइए कि उनके गाड़ी में चलेंगे या हमारे गाड़ी में चढ़ेंगे। उनको सोचना चाहिए, अगर हम सोचते हैं तो उनको भी सोचना चाहिए। मैं देखिए मैं सिंपल से बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है इसके बारे में जो बोल रहा है उनसे बातचीत कीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास डायरेक्ट चले जाते हैं।
अरे टूरिज्म के लोगों से आप बात कीजिए ना, टूरिज्म के इतने लोग हैं उनसे बात कीजिए ना, क्या वो आपके जो है मतलब अंडमान के लोग नहीं है, वो आपके भाई बंधु नहीं है? बात को करने से ही जो है कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है रोहित जी, ऐसा कंपटीशन करने से, फाइट करने से या एक दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम लगाने से ना माहौल बिगड़ता है। आप बात को समझिए, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे के ऊपर में एक दूसरे का खामियां निकालेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ निकलेगी जो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूर होकर सोचना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग जो है उनसे कंपटीशन करें या वो हमसे कंपटीशन करें या फाइट करें, ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं। हर चीज़ का एक समाधान होता है, हर चीज़ को जो है सुलझाया जा सकता है, मगर बड़े ही आसानी से और उसका कुछ तरीका होता है। अरे हम चाहते हैं, हमारे भाई लोग हैं, आपका जो भी चल रहा है रोजी रोटी का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम भी आपके साथ देने के लिए तैयार है। आपका क्या मांग है बताइए हमें। आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं रख सकता, उनको जो है दोनों तरफ का बात सुनना पड़ेगा। अब एक तरफा सुन के जो है आपका बात को मांग रख के जो है वो अपना जो है कानून लागू नहीं कर सकते ना। तो बस यही सब चीज़ है रोहित जी, और उनको इस बात के बारे में, इस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद सर, हमें आपने जो है इसके बारे में जो है हमने क्लियर बताया। तो हम देखिए, हम फिर से कहते हैं कि छोटा सा आइलैंड है हमारा, और यहाँ पर हम जो है भाईचारा चाहते हैं, हम किसी का जो है अपोज नहीं कर रहे हैं। देखिए फिर से हम ये बात हम कह रहे हैं कि हमें जो है सभी का सपोर्ट चाहिए, और हर किसी के लिए हम काम भी करते हैं। इवन हर किसी को जब भी समस्या होती है तो न्यूज़ आप तक वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन देखिए, क्लैरिफाई करना भी एक हक होता है, और इसीलिए हम जो है इससे पहले हमने ऑटो वाले से बात की थी, और अब जो है हमने टूर ऑपरेटर से इसके बारे में जो है बात की। तो इसका आगे का जो भी होगा अपडेट हम आपको देंगे। बने रहे हमारे साथ, देखिए न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कमला विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।